श्री गुरु नानक जी के 550वीं जयंती मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित जागृति शोभा यात्रा 15 सितंबर को चंद्रपुर में दाखिल होगी। इस संबंध आयोजित पत्र परिषद में जानकारी दी गई। गुरु नानक देव जी इनके 550वीं जयंती पर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में पाकिस्तान के गुरु इनका जन्म गांव ननकाना साहेब यहां से प्रारंभ हुई जन जागृति शोभा यात्रा 15 सितंबर को नागपुर मार्ग से चंद्रपुर शहर सीमा को स्पर्श करते हुए घुघुस मार्ग हैदराबाद से विदर साहेब की ओर प्रस्थान कर रही है। इस उपलक्ष्य में चंद्रपुर के सर्व धर्मियों की ओर से यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। सभी गुरु नानक नामलेवा संगत और चंद्रपुर वासियों से विनती की गई है कि चंद्रपुर शनि मंदिर समेत फोर शोरूम पड़ोली नागपुर रोड चंद्रपुर में स्वर्गीय राजेंद्र सिंह गुरम इनके फार्म हाउस में ननकाना साहेब से आने वाले हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहेब के दर्शन का और गुरु जी के पादुका के दर्शन का लाभ ले, इस समय गुरु के लंगर का प्रसाद स्वीकारे, ऐसी विनती चंद्रपुर बल्लारपुर जिले के प्रत्येक गुरुद्वारा साथ ही सिख समाज की ओर से की गई है। इस संबंध आयोजित पत्र परिषद में अध्यक्ष पंजाबी सेवा समिति के विक्रम शर्मा ने जानकारी दी। इस समय पत्र परिषद में हरविंदर सिंह धुन्ना अध्यक्ष, चरण सिंह धुन्ना इनकी उपस्थिति रही। पाकिस्तान पंजाब ननकाना से जो पंजाब पाकिस्तान में होता है वहाँ पे ननकाना साहब है, हमारा बड़ा धर्म स्थल है। वहाँ से गुरु नानक देव की जी की पादुकाएं, उनके शस्त्र और उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें वहाँ से वाघा बॉर्डर होते हुए हिंदुस्तान में आई थी। अब वो अमृतसर से निकली है और जो बस निकली है उस बस को हम लोग बस ना कहते हुए हम उसको पालकी साहब कहते हैं, और वो पालकी साहब में पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाना है। ये हमारे रहते जीवन में शायद ये एक ही बार ऐसा समय आएगा जब वो पालकी साहब जहाँ पे आ रहे हैं, और बड़ी कोशिश के बाद वो कोई नागपुर से ही कहीं और जाने वाले थे, उनको बड़ी कोशिश के बाद हम लोगों ने उनको चंद्रपुर में लाया, क्योंकि वो पालकी साहब की जो लेंथ है, लंबाई है उस जो बस की, वो 45 फुट है और हाइट 15 फुट और विड्थ 11 फुट है, इसलिए वो सिटी में नहीं आ पा रही है। इसलिए इसका आयोजन जो है दर्शन के लिए वहाँ पर तड़ाली में शनि मंदिर के सामने एक बेहतरीन आयोजन किया गया है। वहाँ पे पंडाल वगैरह बनाया गया जिसमें समाज की तरफ से सुबह से ही नाश्ता चाय वगैरह और लंगर की व्यवस्था की गई है। इसमें पूरे चंद्रपुर के नहीं, पूरे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख सभी लोग वहाँ पे जाके उसके दर्शन का लाभ लेंगे। सिर्फ एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ पे जो पालकी साहब के दर्शन करने के लिए लोग आएँ वो किसी भी किस्म का कोई नशा ना करें, सर ढक के करें और वहाँ पे दर्शन करेंगे। और ये सिर्फ 11 बजे वहाँ पे ये पहुँचेंगे पालकी साहब, और सिर्फ 2 घंटे का ही समय मिला है हम लोगों को। 2 घंटे में ये पूरे जितनी भी संगत होगी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट की पूरी संगत वो दर्शन करेगी। और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये सिर्फ सिख समाज या पंजाबी समाज के लिए नहीं है, इसका लाभ जो लेना है वो हर किसी ने लेना है। क्यों? क्योंकि गुरु नानक देव जो थे वो किसी एक समाज के लिए नहीं थे, वो सर्व विश्व के लिए थे। सर्व पद कोई जाति धर्म पंथ के नहीं थे, वो सबके थे। और ये ज़िंदगी में मैं फिर वो चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ये जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हम लोगों को ये शायद ज़िंदगी में एक ही बार मिलना है। और आज तक ये जब से पाकिस्तान बना या हिंदुस्तान बना 72 साल में, ये पहली बार ही हिंदुस्तान में वो उनके चीज़ें जो खड़ाओं वगैरह हैं वो आ रही हैं। इसलिए मेरा सब लोगों से, पूरे चंद्रपुर वासियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस शुभ अवसर का भरपूर लाभ लें।